ओके सो आंसेंग के स्टार्टिंग के जो डेज थे उसके अंदर उनका गेम प्ले थोड़ा बहुत अलग था, और अभी का गेम प्ले वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है ही। और चेन्यूफेई एक ऐसी पर्सन है जो भाई टाइम टू टाइम जो तो अच्छा खासा उनको भाई आंसेंग को कॉम्पिटिशन देती रहती है। तो आज उन्हीं की मैच का हम पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे खेलते हैं कैसे नहीं। भाई पहले लाइक करो ताकि और लोग भाई जो बैडमिंटन के लवर्स हो उन तक पहुँचाए, और कमेंट में लिख दो आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और कौन से क्वेश्चन हैं, आप सारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो शुरू करते हैं और इसके एनालिसिस शुरू करते हैं। और पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, देखो शुरू करते हैं, इसके अंदर आपको एक चीज़ पहली फोकस करनी है। जैसे जब भी आप मैचेस देखते हो किसी भी पर्सन की, जैसे अभी आंसेंग और चेन्यूफेई की चल रही है, अगर आप मैन सिंगल्स देखना चाहते हो तो कोई भी पर्सन की है, तो भाई कैसे रैली को आप देखते हो कैसे नहीं देखते, वो चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखो स्टेपिंग कैसी है, एक बेसिक बुक बोल सकते हैं कि बुकलेट के अंदर लिखा होता है ना कि भाई ये चीज़ें करनी है स्टेप वाइज, तो उसका जो बेस होता है ना बैडमिंटन का वो स्टेपिंग्स हैं, वो है आंसेंग की, कि भाई जैसा फुटवर्क होना चाहिए परफेक्ट फुटवर्क आंसेंग का है। देखो मैं क्यों परफेक्ट बोल रहा हूँ आप देखो, शुरुआत ही करते हैं। देखो यहाँ से जैसे सेंटर में, ठीक है, पीछे गई वन सीजर शॉट्स, देखो जंप नहीं लिया उन्होंने जो चाइना जंप्स होता है ना। अभी जब चेन्यूफेई के फुटवर्क के बारे में बात करें तब हम डिस्कस करेंगे। देखो ये लेग्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत मुड़े हुए, वो अभी तक उनकी जो आँखें कहाँ पे है, शटल पे। और देखो स्टेप छोटा सा लिया, राइट, परफेक्ट। देखो वापस सेंटर चली गई, वो वापस यहाँ से सेंटर। सेंटर क्यों आना होता है, कभी भी हम मैन सिंगल्स या कोई भी सिंगल्स गेम खेलते हैं सेंटर क्यों जाना होता है, क्योंकि पता है कि भाई एक कॉर्नर में हम रह गए तो दूसरे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे आपका अपोनेंट मार के फिनिश कर सकता है। तो हमेशा हमें सेंटर में आना है, बट हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी करोगे अगर आप सेंटर में आने के लिए, तो भाई जब तक आप सेंटर में पहुँचोगे आपका अपोनेंट इतनी फास्ट कोई और जगह पर मार जाएगा और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और वैसे ही पॉइंट आपका चला जाएगा। तो यही चीज़ है आंसेंग, देखो कितनी ईजी तरीके से ये चीज़ खेल रही है। देखा इजी तरीके से ये इसको कवर अप कर रही है, देखो यहाँ से एकदम इजी तरीके से पीछे गई वो, वहाँ से लेके मारा। अब वहाँ से दो चीज़ें आप देखो, यहाँ से वापस गई वो, एक यहाँ पे जा सकती है या फिर वो स्ट्रेट जा सकती है, बट यहाँ पे चीज़ क्या हुई, जब आंसेंग ने शॉट मारा सीधा तो उनके पास सीधा पहले ही ऑप्शन था कि भाई चेन्यूफेई है, उन्होंने शटल स्ट्रेट ही दिया। अगर चेन्यूफेई ने थोड़ा वेट किया होता तो भाई आंसेंग सेंटर में जाती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जब आप कोई भी मैच को एनालाइज करते हो कुछ भी करते हो तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो यही चीज़ है, अब नेक्स्ट फुटवर्क पे थोड़ा बहुत फोकस करते हैं। देखो वापस वो जाएंगी सेंटर में, अच्छा नहीं दिखा रहे, ओके ये आउट था शायद, ये पुराने आंसेंग है, अभी उनका फुटवर्क थोड़ा बहुत चेंज हुआ भी है। देखो यहाँ पे एक गलती जो अभी ये यंग तो नहीं बोल सकते, अभी भी बहुत ही ज़्यादा यंग है वो, ऑफकोर्स 21 की, अभी ये 18 या 17 ईयर्स की एज की है शायद, तो वही चीज़ बोल रहा हूँ, ये 2020 यानी इनकी एज 19 होगी शायद। तो देखो यहाँ पे इनके फुटवर्क में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कौन सी है जो उन्होंने अभी चेंज कर ली है, वो है देखो यहाँ पे मैं फिर से ये वीडियो चला देता हूँ तो आपको आइडिया जाएगा। देखो यहाँ से वो सीधी कहाँ जा रही है, रनिंग करके सीधी जा रही है, दिख रहा है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो उन्होंने अभी चेंज कर दी है। अभी एक दो वीडियोस ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगा आपको कि भाई कैसे उन्होंने गेम खेला है। अभी करंट वाले वीडियोस आएंगे तो उसमें हम डिस्कस पूरा का पूरा गेम प्ले करेंगे उनका कि क्या चेंजेस आए हैं, पर ये पुराने वाले आंसेंग है। देखो स्ट्रेट चली गई, भले उनका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट अभी तक वही है, माइंडसेट जीतने वाला माइंडसेट आंसेंग का पहले से ही था, वो अभी भी है और उसी की वजह से वो जीती है। उनको शॉट सिलेक्शन बोलते हैं ना कि भाई जैसे ली चोंगवी और लिंडन थे, तो उनके शॉट सिलेक्शन देखो वो रियली कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक उनको कन्फर्म ना हो ना कि भाई ये स्मैश मार के मुझे पॉइंट्स मिल जाने वाले हैं, वो कंटिन्यू करते हैं रैली को। सिमिलरली मैं उनको फीमेल ली चोंगवी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फर्स्ट आंसेंग है, इनके जैसी मैंने वुमन सिंगल्स प्लेयर्स नहीं देखी। मैं पिछले 8-9 साल से गेम प्ले और सब कुछ देखता जा रहा हूँ, मैं खुद भी खेलता था मुझे पता है, बट वुमेन सिंगल्स में आंसेंग जैसी प्लेयर मैंने अभी तक नहीं देखी है। ऑफकोर्स बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो भाई बहुत ही अच्छा खासा खेलते हैं, अकाने यामागुची जो मेरी पहले से फेवरेट थी, बट आंसेंग ने वो भाई फेवरेट नहीं है अभी भी आंसेंग, क्योंकि ऑफकोर्स भाई एक चीज़ है कि भाई जब कोई जैसे विक्टर एक्सेलसन है ना, जिनका फुटवर्क और गेम प्ले, उनका गेम प्ले वो वन साइडेड हमेशा खेलते हैं, बट कोई चाहिए उनको हराने वाला, ये सारा डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फुटवर्क में वो 10-10 जो आंसेंग की है वो गेम प्ले। अब सेकंड चीज़ हम देखने वाले हैं कि कितनी कम एरर्स करते हैं। एरर्स से मेरा मतलब क्या है कि जब आप लिफ्ट करते हो, स्मैश मारते हो या फिर टॉस मारते हो तो बाहर जा रही है कि नहीं, मतलब कितनी ज़्यादा बाहर मार रहे हो आप, आपके अपोनेंट पॉइंट ले नहीं रहा है। जैसे अपोनेंट स्मैश मारे ड्रॉप मारे तो उसको पॉइंट मिलेगा ना, बट गिफ्ट चीज़ क्या होती है, एरर इज इक्वल टू गिफ्ट समझ लो, कि आप टॉस मार के बाहर मार रहे हो अगर
तो सामने वाले को आप गिफ्ट ही दे रहे हो पॉइंट्स। तो देखते हैं कि कितनी ज्यादा एरर्स करती है, अभी तक हमने गिने नहीं ऑफ कोर्स, बट स्टिल उस पर फोकस करेंगे। देखो ये जजमेंट आया तो परफेक्ट साइडवेज, परफेक्ट साइडवेज, इस पे भी हम वापस आएंगे। एरर वन एरर, देखो दो तीन रिलीज के अंदर ही हमें आइडिया आ जाएगा कि भाई एरर्स ये पुरानी वाली है अनसेंग, ये वो कितनी ज़्यादा एरर कर रही थी कितनी ज़्यादा नहीं। नहीं ये परफेक्ट स्मैश थी, जंप स्मैश थी सीजर लेके, वो भी सही था वैसे, परफेक्ट खेल रही है। ओके ये आउट है। देखो सेकंड चीज़ ये लिफ्ट एरर्स वाला तो ऑलमोस्ट कम ही करती है आंसियांग, इसीलिए जीतती है। एक चीज़ जिस पे मैं आपको भाई फोकस करवाना चाहता हूँ वो है कितने ज़्यादा शॉट्स, मैं थोड़ा बहुत वीडियो पीछे ले लेता हूँ ताकि आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ उस पे आइडिया आ जाए। देखो यहाँ से हम फोकस करना स्टार्ट करेंगे वापस, तो देखो ये कितने शॉट्स हैं जो वो कॉर्नर्स पे मारती है। देखो मैं पॉज करके बताता हूँ, ये है सेंटर, देखो कर्सर पे फोकस करो, ये है सेंटर, ठीक है। यहाँ से आपको ये आपका अपोनेंट है, ये आंसियांग आप खुद को समझ लो, ये अपोनेंट आपका अपोनेंट है कोई भी, तो आप जहाँ से कोई भी शॉट मारो कहाँ पे मारोगे जहाँ से आपका अपोनेंट को हार्ड टफ लगे, तो ये कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, कर्सर पे फोकस करो, ये स्ट्रा फ्रंट वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये साइड लाइन। मैं सिंगल्स की बात कर रहा हूँ, सिंगल्स में साइड लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये साइड लाइन्स, ठीक है। तो कितने शॉट्स कितने रिलीज आप साइडवेज खेल रहे हो कॉर्नर पर खेल रहे हो उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं जीतने के। तो हम देखते हैं कि आंसियांग कितने वो साइडवेज खेलती हैं या फिर ये सेंटर पार्ट बोलते हैं, ये कर्सर पर फोकस करो, ये सेंटर पार्ट बोलते हैं। अगर आपने सेंटर पार्ट में मारा तो क्या होगा, आपका अपोनेंट बहुत ही ईजी तरीके से आपके शॉट्स को रिटर्न करेगा और वो पॉइंट ईजी तरीके से ले लेगा और फिनिश करके वो जीत भी जाएगा। देखते हैं आंसियांग कुछ गलतियाँ करती है कि नहीं करती है। देखते हैं कहाँ मारा उन्होंने, देखो कहाँ जा रहा है, परफेक्ट। देखो ये को साइड लाइन मैंने बोला था, यहाँ जा रहा है शटल जहाँ से चेन्यूफे पकड़ रही है, साइड लाइन देखा, परफेक्ट, एक परफेक्ट। देखो ये फ्रंट में मैंने जहाँ पे बोला था परफेक्ट गया साइड में, यही चीज़ होती है, यही ड्रॉप अगर उन्होंने यहाँ पे सेंटर में मारा होता तो चेन्यूफे जो अभी उनको दिख रहा है उनको स्ट्रेच करना पड़ रहा है, लंजेस लेने पड़ रहा है। जितने ज़्यादा लंजेस लोगे, आपको पता है अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो आपको आइडिया होगा, जितने ज़्यादा आप लंजेस लोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और उतनी ही ज़्यादा टफ होगा आपको रिटर्न बैक करना सेंटर में, और आप शटल को रिटर्न नहीं कर पाओगे तो ऑफकोर्स पॉइंट आपका गया। सिमिलरली देखो साइडवेज अब कहाँ मार रही है, ये आउट गया, एरर हो गई उनसे, उनकी सोच ज़रूर ज़रूर थी। ये ही चीज़ के चेंजेस हैं जो अभी करंट वाली आंसियांग है ना, ये गलती जो आउटसाइड गया वो बहुत ही मतलब ना बराबर करती है। जब आप एरर्स कम करते हो तो आपके अपोनेंट भाई थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मैं पॉइंट्स कहाँ से लूँ, तो सामने वाले को एफर्ट डालने ही पड़ते हैं पॉइंट्स लेने के लिए कि भाई ना उसके मतलब हम जितने कम एरर्स करेंगे उतने ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। सेम चीज़ है कि आंसियांग को अभी टॉप प्लेयर ऐसे ही बनाते हैं, जब उनका बस स्टार्टिंग पॉइंट्स है जैसे 16, 17, 18 ईयर्स के थे तब की ही गेम प्ले के अंदर उन्होंने जो एरर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कम किया है, और जो बैडमिंटन का बेसिक फुटवर्क होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। उनका बेसिक फुटवर्क है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका फुटवर्क नहीं है कि भाई जैसे लिंडन, ली चोंगवी ये लोग थे ना, उनका फुटवर्क बोले तो भाई एडवांस था भाई। जैसे लिंडन को कभी आप फुटवर्क में खेलते हुए देखा है आपने, जैसे आप वो पानी की तरह मूव कर रहे हो ना कोर्ट में, चल के जा रहे होते हैं सेंटर में, आपने अगर कभी भी कोर्ट के अंदर मतलब स्टेपिंग्स लिया हो और अब आपने खुद खेला हो तो आपको आइडिया हमेशा होगा कि कोर्ट के अंदर कितना ज़्यादा आप थक जाओगे सेंटर में जाने के लिए, सेंटर से साइड में जाने के लिए मतलब लग जाएगी आपकी पहुँचने में। सिमिलरली मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब आप ऐसी गेम प्ले या फिर कुछ भी देखते हो तो ऐसी चीज़ पे फोकस करो, जैसे मैंने अभी फुटवर्क, रेली, ऐसे और डीप एनालिसिस आएंगे ज़रूर जिसके अंदर हम फुटवर्क के ऊपर भी जाएंगे, बट इसमें शॉर्ट में हम ये चीज़ पे फोकस करेंगे। अब हम जिस चीज़ पे फोकस करने वाले वो हैं चेन्यूफे का फुटवर्क। चाइनीज़ प्लेयर की भाई एक चीज़ होती है कि वो उनका एक्सप्लोजिव फुटवर्क थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, और वो जब साइडवेज पीछे जाता है ना तब वो थोड़ा बहुत जंप लेते हैं, ये चाइनीज़ फुटवर्क बोलते हैं ना भाई, वो ही चीज़ है कि आप उनका बेसिक एक थोड़ा बहुत अलग होता है, जैसे जापानीज फुटवर्क भी अलग होता है वैसे चाइनीज फुटवर्क भी थोड़ा बहुत अलग होता है। सिमिलरली देखते हैं कि चेन्यूफे का फुटवर्क कितना फ्लॉलेस और इजी है, जैसे बेस पे है या नहीं। आंसियांग का फुटवर्क हमने देख लिया। सिमिलरली देखो सेंटर में आ रही है वो वापस, ओके यहाँ से जंप लिया, परफेक्ट ये जंप था, ओके वो पॉइंट ले गई है। चेन्यूफे थोड़ी बहुत बेटर है इस वीडियो मतलब गेम में, ये पुरानी गेम है, चेन्यूफे थोड़ी बहुत पुरानी गेम प्लेयर है, तो ऑफकोर्स वो आंसियांग जब यंग थी थोड़ी बहुत तो भाई अच्छा खासा टफ चेन्यूफे है वो हराना उनको था, अभी तो भाई आंसियांग को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑफकोर्स कोई नसीब से कोई हरा दे तो अलग बात है। देखो यही चीज़ मैं बात बोल रहा था कि चाइनीज़ फुटवर्क में चेंज, यहाँ से मैं देखो फिर से आपको बताता हूँ।
यहाँ से गई वो, देखो फिर से आएगा, देखो सेंटर गई वो, सेंटर में, ठीक है, ये डिफेंड किया उन्होंने स्ट्रेट, परफेक्ट, बहुत इजी, ये एकदम सिंपल, किसी को भी पता चल जाएगा जो भी बैडमिंटन खेलता है उसको इस तरीके से आइडिया आ जाएगा। अब उन्होंने देखे वो पीछे आया, जैसे आंसियांग ने क्या किया था, 1 2, यहाँ से देखो कर्सर पे फोकस करो, 1 2, दो स्टेप पीछे लिए थे और उन्होंने मतलब शॉट को जहाँ पे मारना वो मारा था। क्या डिफरेंट चाइनीज फुटवर्क वाले लोग करते हैं, देखो मैं ये चीज़ देखो, 1 2 2 लिया ही नहीं उन्होंने, 1 jump। ये चीज़ आप लंदन का गेम प्ले देखो, आप फिर और अच्छे प्लेयर्स है जैसे चेन लॉन्ग है, चेन लॉन्ग तो भाई साहब उनका उनका आज तक का सबसे फेवरेट, मेरा अगर कोई बोले कि फुटवर्क किसका बेस्ट तुम्हें पसंद है तो वो रहेगा चेन लॉन्ग, ऑफकोर्स कोई डाउट के बिना। वही चीज़ है चाइनीज़ फुटवर्क, ये आपको हेल्प करता है एक्सप्लोसिवनेस में। जितना टाइम, जैसे अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए कि आप हवा में उड़ के शॉट्स मार सकते हो, तो ऑफकोर्स ऊपर जाके अगर आप स्मैश मारोगे तो कितनी डीप और इजी तरीके से मिलेगी। सिमिलरली अगर आपको चांस मिले कि आप शटल को जल्दी से जल्दी रीच कर पाओ, जल्दी से जल्दी पहुँच पाओ, तो आपके पास शटल के ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ से उन्होंने जंप ले लिया, तो उनके पास जैसे अभी ये जंप हवा में, ठीक है, चेन्यूफे, उनके दिमाग में 3 से 4 जैसे शॉट्स के मतलब रिटर्न्स होंगे। जैसे यहाँ से वो ड्रॉप मार सकती है, यहाँ पे क्रॉस कॉर्नर स्ट्रेट ड्रॉप मार सकती है, स्ट्रेट स्मैश मार सकती है, ऑलमोस्ट सारे खुल जाते हैं, ठीक है, ऑप्शंस। बट से यहाँ से उन्होंने 2 steps धीरे से लिए होते हैं तो उनके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, स्मैश तो वहाँ से हटा ही दो, स्मैश नहीं मार पाएंगे कोई भी पर्सन अगर चल के गया होगा तो। ऑफकोर्स जंप लिया है तभी उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है, यहाँ से अगर उन्होंने चल के गया होता तो सिर्फ टॉस बचता और ड्रॉप बचता। ड्रॉप भी कैसा जाता, फ्लैट ड्रॉप जाता, सामने वाला इजी तरीके से रिटर्न कर देता। उनके पास सिर्फ एक ही ऑलमोस्ट ऑप्शन बचता, एक या दो, कि फ्लैट रिटर्न दे या फिर टॉस मारे। तो भाई जितने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे जीतने के। से यही चीज़ चाइनीज फुटवर्क में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट हर एक पर्सन की ये भाई ईजी नहीं है, हर एक पर्सन ये चीज़ नहीं कर पाता है। मैंने चीज़ देखी है कि जब मैं भी ट्राई करता था, एक्सप्लोसिवनेस तो आ जाती है आपके अंदर, बट उतनी जल्दी आपका स्टेमिना लूज हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो लूज होता ही है। जैसे आप स्टेप्स लेके जाओगे ईजी तरीके से बैक कोर्ट में, तो भाई आपका स्टेमिना ज़रूर बच जाएगा बट आपका शॉट सिलेक्शन कम हो जाएगा। सिमिलरली जैसे जंप लेके जाओगे तो ऑफकोर्स जंप लेके आप जल्दी तो पहुँच पाओगे बट आपका स्टेमिना थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो यही चीज़ है और इसी पे फोकस करना है। मुझे चाइनीज़ फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट ये मैं तभी रिकमेंड करता हूँ कुछ लोगों को, मतलब जब मैं ट्रेनिंग करवाता भी था तब एक्सप्लोजिव कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी गेम ही एक्सप्लोजिव होती है, उनका फुटवर्क ही एक्सप्लोजिव होता है। उनके लिए अगर आपका गेम जो डिफ़ॉल्ट होता है आपका वो ही एकदम फास्ट वाला है, तो एक ही चीज़ आप कर सकते हो, एंड्योरेंस बढ़ाओ आपका जो फुटवर्क है उसको भाई, अगर फास्ट है तो, और थोड़ा बहुत स्लो है तो भाई ऑफकोर्स उसको आप थोड़ा बहुत आपके बोल सकते हैं कि जंप करो और अलग अलग एक्सरसाइज होती है, उसके भी वीडियोज़ आएंगे, बट यही चीज़ शॉर्ट में थी, उसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी एक और चीज़ है कि एरर्स कितनी करती हैं चेन्यूफे, जैसे हमने आंसियांग की देखी थी वही चीज़ देखते हैं। ये तो एरर नहीं किया, ये वाला शॉट परफेक्ट था। जैसे फिर से मैं एक और बार बता दूँ, अभी 2 मिनट पहले मैंने जो चीज़ बताई, देखो यहाँ से ये वाली रैली है शायद, देखो यहाँ से अगर वो चल के जाती हैं तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, टॉस या फिर ड्रॉप। अब देखो यहाँ से उन्होंने जंप लिया है, कितने सारे शॉट्स के ऑप्शन हैं उनके पास, यहाँ से वो ड्रॉप मारेंगे। अगर देखो आंसियांग रेडी है क्योंकि उनको पता है कि भाई चेन्यूफे ने जंप लिया है, आंसियांग ऐसे रेडी नहीं होती, ऑफकोर्स रेडी होती ज़रूर, बट वो कैसे कि टॉस के लिए रेडी हो जाती बैक के लिए, बट वो ऐसे रेडी इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि चेन्यूफे जंप लेती है यहाँ से, और जंप जब भी कोई पसंद लेता है तो ऑफकोर्स जंप स्मैश आने के मेजोरिटी में चांसेस होते हैं, बट कभी कभी जैसे टाइजुइंग जैसे पर्सन होते हैं ना, वो एंड में जाके ड्रॉप लगा देते हैं और वो भाई देखने में बहुत पसंद आता है सब लोगों को, बट वही चीज़ है कि आपके यही एडवांटेज है अगर आप जंप लो तो। एरर्स कितने देखो, इजी तरीके से आपका अपोनेंट भागते रहेगा कोर्ट में, जितना जल्दी आप शटल को रीच करोगे उतना ही जल्दी आप पॉइंट्स ले पाओगे। एरर्स बहुत ही कम करती है, मैंने देखा हुआ है चेन्यूफे, बट 2023 की जो चेन्यूफे है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में अगर बता दूँ तो जब भी उनकी मैच आंसियांग के सामने हुई है मैंने देखा है कि 21 पॉइंट जो आंसियांग ने लिया ना उसमें से ऑलमोस्ट मेजोरिटी 8 से 9 पॉइंट तो ऐसे थे जो चेन्यूफे ने खुद दिए हैं। वो भाई प्रेशर में आके दिए हैं, कैसे दिए हैं वो कुछ हम बता नहीं सकते भाई, वो उनके भाई अंदर माइंडसेट में चल रहा होता है, बट 8 से 9 पॉइंट अगर एरर में आप दे रहे हो तो भाई आपके आप अंडर प्रेशर ज़रूर हो।
ये सिमिलर चीज़ मैं ये वाली चेन्नई फेई जो अभी खेल रही है उसके बारे में, उनके बारे में एक चीज़ बता सकता हूँ कि वो एरर बहुत ज़्यादा कम करती है। वो चीज़ तो है, बट देखते हैं कि उनका गेम प्ले आन सेंग को हराने के लिए कोई तो पर्सन होना ही चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, जैसे हमेशा लंदन के सामने ली चोंगवेई थे, तो कोई ना कोई अपोनेंट होना चाहिए, तभी भाई वो होता है, वरना हमेशा की तरह वही चीज़ बन जाएगी। जैसे विक्टर एक्सेलसन, वो जब भी कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं पता है सबको कि भाई वो ही जीतने वाले हैं, कुछ भी हो जाए। वो प्रणय अचेस ने उनको हराया ज़रूर, बट वो भाई बोल सकते हैं कि भाई थर्ड सेट में गया, वो एक टाइम का था क्योंकि भाई मेजोरिटी में प्रणय अचेस को हराया ही है उन्होंने, और दूसरे अच्छे खासे प्लेयर्स हैं उनको भी हराते ही हैं। सिमिलरली आन सेंग के सामने मैं चाहता हूँ एटलीस्ट जो थ्री और टॉप प्लेयर्स बोलते हैं ना, जैसे चेन यू फेई, टाई ज़ू यिंग, अभी तो कैरोलिना मरीन का मुझे उतना ज़्यादा चांसेस नहीं लगता है आन सेंग को हराने, बट अकाने यामाउची, ये टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि भाई वो आन सेंग को हराए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स है, चांसेस 100% मैं बोलूँगा, 99% चांसेस है कि गोल्ड तो आन सेंग का ही है। बट जो मैं चाहता हूँ वो है कि कुछ प्लेयर्स आएँ जो कॉम्पिटिशन दे, एटलीस्ट थर्ड सेट जाए। आन सेंग किसी को थर्ड सेट जाने ही नहीं देती है, और उसी का रीज़न है कि उनका स्टेमिना बच के रहता है नेक्स्ट मैच के लिए। और जब भी आप ऐसे गेम खेलते हो स्ट्रेट टू आपके अपोनेंट्स हराने का भाई यही मीनिंग है। अगर आप स्टेट्स खेल रहे हो भाई, कोई नेशनल्स गेम प्ले खेल रहे हो, स्ट्रेट टू अगर आप आपके अपोनेंट को हरा देते हो तो भाई फर्स्ट डोमिनेंस दिखता है आपका कि भाई कितना अच्छा खासा आपने गेम प्ले दिखाया है। सेकेंड थिंग है कि नेक्स्ट गेम प्ले जब भी आपका होने वाला है, राउंड ऑफ 32 जीते हो तो राउंड ऑफ 16 जब भी होने वाला है, तो उसके लिए आपके पास एनर्जी बची हुई है, थर्ड सेट जाएगा आप थकोगे। तो आन सेंग से ये सारी चीज़ें सीखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ये 18 और 19 ईयर्स की एज है, वो बहुत ही ज़्यादा यंग थी, ये मैच के अंदर मैं बताना चाहूँगा आन सेंग, स्टिल उनके अंदर जो माइंड सेट बोलते हैं ना कि भाई कितने भी सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट हो या फिर कुछ भी हो, वो हार नहीं मान रही है। ये चेन यू फेई ना जो अभी खेल रही है, ये चेन यू फेई बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर थी, अभी भी है ऑफकोर्स, बट ये चेन यू फेई थी वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और अच्छी खासी उनका गेम प्ले था, स्टिल थर्ड सेट जा चुका है, आप देख रहे हो 18, 11, 12, 13। सो आन सेंग का जो माइंड सेट था उसी की वजह से वो ये सारे गेम प्ले खेल रही थी, और जितना हो सके आप बेसिक पे जाओ, आन सेंग का फुटवर्क बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो बेस खेलती है बेसिक, तो बेसिक पे फोकस करो और बेसिक शॉट्स जैसे टॉस ड्रॉप इन पे ज़्यादा फोकस करो। आपके कोचेज जब भी बोले कि 100 टॉसेज यहाँ से वहाँ उस कॉर्नर पे मारने हैं, तो आपका फोकस 100 पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस इस पॉइंट पे होना चाहिए कि ये कॉर्नर से उस कॉर्नर तक परफेक्ट कितने जा रहे हैं, 100 में से कितने आप 80 मार रहे हो, 90 मार रहे हो, वो चीज़ पर फोकस करना चाहिए। ऑफकोर्स वो जीत गए, बट यही चीज़ है, आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, और ये मैच से आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सीख सकते हो।